हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यात्रा गाइड योगेश शर्मा में। तो आज 2023 का आखिरी दिन, 31 दिसंबर 2023, और आखिरी दिन होने वाला है कुछ धमाल, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा। इतने दिनों बाद कैमरा उठाया, आज गड़बड़ हो रही है। चलो तो कोई नहीं, गड़बड़ को मद्देनजर रखते हुए आ गए हैं फिलहाल व्यारा, और व्यारा से हम जाने वाले हैं नारायण जी के पास, और नारायण जी के पास से ही होने वाला है धमाल चालू। तो थोड़ी देर में आपको अपडेट करता हूँ, तब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और बहुत ही खास मेहमान आज आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए आए हैं, उनके साथ में जाएंगे ट्रिप पे। तो चलो मिलवाता हूँ उनसे थोड़ी देर में। चलो तो अभी आ गए हैं अपन व्यारा में, और नारायण जी के यहाँ पे आ गए हैं। तो ये नारायण जी की नई होटल, देखो अपने देवा भाई की फोटो लगी हुई है यहाँ पे। तो फिलहाल नारायण जी से सामान सारा ले लेते हैं अपन, गैस का बाटला, दूध, चाय बनाने का प्लान है अपना, तो वो प्लान के लिए अपन थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। और अपने जो मेहमान आए हैं वो भी निकल गए हैं अभिनव भाई के साथ में सूरत से, और विद इन 1 आवर वो टच हो जाएंगे हमारे पास। तो चलो उनका वेट भी करते हैं और उनको आने भी देते हैं। फिलहाल हमें देख लो एकदम फुल ट्रैफिक। अभिनव भाई ले आए हमारे मेहमान को, और मेहमान से परिचय तो अभी करवाना पड़ेगा। अभिनव भाई हटोगे तो क्या एकदम वो शो होगा क्या एकदम से? तो विकास भाई आ गए हैं कैमरे के लिए। बिल्कुल, थैंक यू, हम भी सीख गए आपसे कुछ। चाय ले जाने की। चलो तो अभी विकास भाई आ गए हैं, और अभी यहाँ से निकलते हैं अपन सोनगढ़ की तरफ। विकास भाई की गाड़ी आगे चल रही है, अपना 0003 एक्सप्लोर द अनसीन। तो फिलहाल निकले हैं सोनगढ़ के लिए, तो सोनगढ़ पहुंच के मुलाकात करते हैं आप लोगों से। फिलहाल तो चाय पानी पी लिए नारायण जी के यहाँ पे मस्त एकदम शानदार कड़क, और गाड़ी भाग रही है एकदम धुएं की तरह। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं अभी सोनगढ़ से आगे, और ये टूटी वाला रास्ता है, यहीं से हमको अंदर जाना है अपना बीच की तरफ। तो उकाई नदी के कैचमेंट एरिया में हम जाएंगे, और साथ में हमारे है विकास भाई, और पीछे एक थार, और अभी ओम भाई जो है वो रह गए हैं रास्ते में कहीं, बहुत धीरे चलाते लगता है, तो उनको भी आने दो, फिर हम जाएंगे सीधा अंदर की तरफ। चलो तो अभी आ गया है ये वाला रास्ता, बहुत ही खतरनाक और फुल एडवेंचर, और अपनी गाड़ी कहीं भी कैपेबिलिटी से कम नहीं पड़ रही है। चलो बढ़ाओ। अरे सुमुख, ऑफ रोडिंग का जो शानदार मज़ा आ रहा है ना, वो एक्सयूवी अपने को दे रही है फिलहाल, और कहीं भी इसकी कैपेबिलिटी ऐसा नहीं लग रहा है कि 4x4 चाहिए या 4x2 चाहिए, एकदम शानदार रिजल्ट मिल रहा है, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और अपने जो ऑल ट्रेन टायर अपने डाले हैं योकोहामा, वो भी एकदम शानदार रिजल्ट दे रहा है। तो फॉर्च्यूनर के बराबर अपन भी चल रहे हैं। तो अभी जस्ट नदी के पास में पहुँचने वाले हैं, फिर वहाँ से दिखाते हैं आपको व्यू जो होने वाले हैं, नज़ारे बहुत ही शानदार नज़ारे होंगे। तो फिलहाल चलो बढ़ते हैं आगे। तो अभी आ गए हैं, और चारों गाड़ी अभी भी साथ में ही अपने। इधर ही चलना ना अभिनव भाई। यस, रिकॉर्डिंग कौन देखा अपने को सारा यार।
चलो तो फिलहाल अभी यहाँ से लेट्स मूव टू फॉरवर्ड। अभी एकदम उकाई डैम के कैचमेंट एरिया के एकदम नज़दीक में टच जाएंगे और गाड़ी को एकदम पानी में खड़ी करने का प्लान है। तो फिलहाल बढ़ते हैं यहाँ से आगे और ये एकदम अनटच जगह है। लास्ट टाइम भी हमने एक्सप्लोर किया था मनी भाई के साथ में और अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं विकास भाई के साथ में। चलो तो फिलहाल बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। अपन पहुंच गए हैं जस्ट उकाई डैम के अपस्ट्रीम, जस्ट टच कर लिया है तापी रिवर को। तो अभी इससे नजदीक तो हम कार लेके जा नहीं सकते। तो ये है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल नहीं है अभी, आज तो का फाइनल है ये उकाई। इसके आगे अंदर गाड़ी नहीं जाएगा, इसके अंदर गाड़ी नहीं जाएगा, अभी बोट लेना पड़ेगा। ये डेस्टिनेशन अपना 10 पर, उसके बाद तो अभी जो आगे मजा आने वाला है एडवेंचर वो तो कई गुना होने वाला है। पर जो उकाई वाला जो एरिया था वो ये हमने पहुंच गए हैं। और भैया भैया आप कहां से आए? भाई हूँ करता छो, मोबाइल यहाँ पे रख दो, सोते रहो भाई। यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी विकास भाई को गुजराती सिखाई देनी पड़ेगी क्योंकि गुजरात ज्यादा भार है। नहीं अभी दिल्ली से ज्यादा तो गुजरात में घूम रहे। सीरियसली यार मैं दिल्ली में इतना नहीं घूमा जितना। मैं राजस्थान का मैं पूरी सीख गई 8 साल एकदम कंप्लीट। अभी ना भाई को पूछा, हम गुजरात में ही बात करते हैं, हिंदी में बात नहीं करते। हिंदी में बात नहीं करनी नहीं ना, अपना लैंग्वेज थोड़ा इम्प्रूव तो होगा कम से कम। तो चलो विकास भाई के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, चाय वाय बनाते हैं, पीते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो यहाँ पे कुछ रील्स वील्स बनाई जा रही है, विकास भाई और सब मिलकर रील्स बना रहे हैं। बहुत ही शानदार नज़ारे हैं, एकदम नेचुरल व्यू है और यहाँ पे आदमी वगैरह कुछ दिखता नहीं है दूर से। चलो तो अभी ये जो जगह थी इसको अपन करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे। वो मंदिर जहाँ दिख रहा है दूर कहीं मंदिर वहाँ दिख रहा है, तो वहाँ जाएंगे। और फिलहाल अरे ओम भाई आज क्या तोड़ोगे? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, विकास भाई तो चलते हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं, विकास भाई यहाँ से जाएंगे अभी। ये ओम फंसाने का काम करेगा, नहीं तो दिन भर निकालना पड़ेगा बाद में हमको। नहीं नहीं मैं पीछे हूँ ना, लास्ट में फंसाएंगे ना ताकि फिर क्या रात निकालेंगे इधर ही। चलो तो अभी यहाँ से निकलते हैं अपन आगे की तरफ। तो अभी भाई ये जो रास्ता था ये आगे जाके कहीं डेड एंड हो गया है, तो अभी यहाँ से निकलने वाले हैं हम वापस ऊपर की तरफ इधर। तो यहाँ से सीधा अपने को जाना है अभी नदी पे। ओम भाई तो तीर लेने में भाई नहीं नहीं वो तोड़ने में विश्वास रखते हैं, अपन जोड़ने में विश्वास रखते हैं। तोड़ना है बस, पापा पैसा भरेंगे ना, पापा पैसा भरेंगे। हाँ अपना तो कमाई का अपना खुद का। चलो तो अभी यहाँ से निकलते हैं आगे। हाँ तो एक्सयूवी एकदम शानदार इजीली चढ़ी और फॉर्च्यूनर तो जवाब ही नहीं, गाड़ी हो तो फॉर्च्यूनर ले लेंगे बाबा ले लेंगे। चलो तो अभी यहाँ से बढ़ते हैं अपन आगे। I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. क्या बात कर रहे हो भाई खोल के दिखाओ, ये खोल तो रहा है ना। पर अरे ओम भाई वो रास्ते पर हमने टायर चढ़ाया ही नहीं, हम तो साइड में से निकाल के लाए। टायर नहीं चढ़ा ना, वही रास्ता बनाया मैंने। अरे ना बाबा ना, खोटो बोली आज करे अखो दिवस। चलो भाई अभी बढ़ते हैं आगे, फॉर्च्यूनर भी आ गई अपनी, स्कॉर्पियो अपनी एक्सयूवी। चलो तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी सोनगढ़ से निकल के आ गए हैं डोलारा की तरफ और अपनी गाड़ी यहाँ रही, विकास भाई की गाड़ी वहाँ रही। तो कुछ लोग पीछे छोड़ गए हैं, उनके लिए वेट कर रहे हैं, वो आते हैं तो उसके बाद निकलते हैं यहाँ से सीधा अपन डोलारा। डोलारा से जाएंगे वापस अपना वडपाड़ा वाला जंगल।
चलो बढ़ते हैं वटपाड़ा की तरफ। चलो तो अभी अपन सरैया चौकड़ी से मुड़ गए हैं डोलारा की तरफ, तो डोलारा से बेस खाते हुए रास्ते पे जाना है, तो जो ऑफ रोड है वो ढूंढते हैं, उसके बाद में फिर वहीं पे आपसे बातचीत करते हैं। रास्ते में एक जगह 31 के हिसाब से शादी वर्दी में, मतलब विदाउट वर्दी पुलिस वाले खड़े, तो हमें क्या पता पुलिस वाले है या नहीं है। कोई बात नहीं, सम्मान दिया उनको भी, बोले करिए चेक, आप भी खुश रहिए, चेक करवाइए। चारों गाड़ी अपनी रोकी, चेक कर ली है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो निकलते हैं यहाँ से। अभी आ गई है पूर्णा नदी, गंभीर नदी, तो इसको क्रॉस करने के बाद में निकलेंगे अपन ऑफ रोड वाले रास्ते पे, तो मिलते हैं ऑफ रोडिंग के रास्ते पे आपको थोड़ी देर में। जल्दी जल्दी में, अरे मैं पुलिस वाले की बात कर रहा था, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे यार, वो बिना आइडेंटिटी कार्ड वाला था, मैं उसकी चेकिंग करता था, तो हम सीधे सीधे निकल गए। फॉर्म में रहते हो आप भी? हाँ, बड़े फॉर्म में रहते हो आप। चलो भाई, तो ये बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, तो अभी अपन आ गए हैं उमरपाड़ा, नहीं उदवाड़ा, कौन सा पाड़ा, उमपाड़ा, वो नाम बताओ नितिन भाई क्यों ने, आज तापी जिले में कहीं है हम, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से ऑफ रोड वाला ट्रैक चालू कर दिया है, तो ये है सामने कंडीशन, गाड़ी वगैरह खड़ी है। वडपाड़ा, तो गांव का जो नाम है वो है वडपाड़ा, वडपाड़ा से सीधा हम निकल जाएंगे अम्बा पानी की तरफ। तो ये ऑफ रोड ट्रैक है, इसको करते हैं कंटिन्यू। विकास भाई की गाड़ी आगे है, थार आगे, स्कॉर्पियो आगे, सबसे पीछे अपुन। चलो तो बढ़ते हैं धीरे धीरे। ऑफ रोडिंग वापस शुरू हो गया है, तो नाउ एंजॉय फ्रॉम आउटसाइड व्यू। तो भाई अभी फॉर्च्यूनर तो बराबर मुकाबला दे रही है एक्सयूवी को, और एक्सयूवी भी कम नहीं बढ़ रही है, तो थार पीछे है, फॉर्च्यूनर आगे है, उसके आगे स्कॉर्पियो एन है। चलो तो देखते हैं अपनी गाड़ी कहां तक जाती है, फिलहाल जंगलों में कहीं है हम, उमरपाड़ा के जंगल में। क्या हो गया? तो भाई अभी फिलहाल एक्सयूवी आ गई है, फॉर्च्यूनर भी आ गई, तो ओम भाई भी कर रहे हैं कुछ कुछ कोशिश, जाने दो। तो चलो यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट किया जाए, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे यहाँ से, और शानदार लग रही है घड़ियाँ सारी। दो लगा दो ना, गाड़ी अपनी एक शानदार लुक देती हुई यहाँ पे जंगल के बीच में। लगता नहीं कि यहाँ पे इकट्ठी इतनी गाड़ियाँ कभी आती होगी। लास्ट टाइम भी हम ही आए थे, अभी भी हम ही आए थे, वो लास्ट टाइम हम ही आए थे ना, वही बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम हम ही आए थे, अभी भी हम ही आए हैं ऐसा। लाइट ऑफ करो क्या विकास भाई, चले चलो। तो अभी यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और बहुत ही शानदार फोटोग्राफी हो गई है, तो फिलहाल वापस टाइगर इन द जंगल। चलो Ha ha ha।
तो अभी आ गए हैं अपन बेस आते से जस्ट पहले, और ये जो व्यू है अभी। नो भाई आपको ये वाला ऑफ रोडिंग करना था ना, तो अभी जस्ट चकदारा के पास में है, और यहाँ पे जहाँ लास्ट टाइम हमने नाश्ता किया था वहीं नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे केलवन डूंगर की तरफ। तो केलवन जाने का जो रास्ता है वो अभी थोड़ा ठीक कर दिया है, शैलेश भाई से बात हुई है, तो बढ़ते हैं वहाँ पे ऊपर, जो मिलेगा वो आपको अपडेट करते हैं। भैया क्या कर रहे हैं आप? भाई तो मैगी एक ही प्लेट में खाई जाएगी, उससे प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, और मोहब्बत बढ़ने से क्या होता है, फिर बार बार आएंगे। नहीं मैं तो बार बार ही आता हूँ यार, ये देखो और आएंगे, हर संडे आएंगे, हर फ्राइडे को शाम को निकलेंगे, हर संडे चलते लोकल। चलो तो फिलहाल थोड़ा सा पेट पूजा कर ली जाए, उसके बाद में अभी माहौल बाकी है भाई। चलो भाई तो अभी आ गए हैं अपन केलवन डूंगर के रास्ते पे, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, और ऊपर की जो आज की ऑफ रोडिंग होने वाली है बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो चलो बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं अपनी गाड़ी आज जा पाएगी नहीं जाएगी, जो ऐसा भी रहेगा जो भी रहेगा मिलेगा आपको वीडियो में, तो बने रहिए चैनल पे दोस्तों। बढ़ते हैं केलवन डूंगर की तरफ। I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. You know what to say every time I start to slip away, and I surrender. भाई तो तीनों चारों गाड़ी आराम से इजीली आ गई है। यस चलो अभी जाएंगे आगे ऊपर। चलो भाई तो अभी केलवन डूंगर पर हम पहली बार अपनी एक्सयूवी लेके तो आ गए। ये है भाई आज का जलवा, और ये है ऑल ट्रेन टायर का कमाल, क्योंकि एसटी टायर में हमने ऑलरेडी दो बार ट्राई किया हुआ है तो आई नहीं थी, इस बार टायर चेंज किया तो गाड़ी ऊपर तक आ गई। तो अभी कन्फर्म योकोहामा एसटी, तो उसका हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, टेंशन मत लो। फिलहाल हम केलवन डूंगर पर आ गए हैं, विकास भाई वहाँ पे कुछ कुछ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, करने देंगे, हम अपने चाय नाश्ते की तैयारी करेंगे ठीक है, क्योंकि पेट पूजा करनी पड़ेगी, भूख लगी है बहुत जोर से। बाकी सब लोग फोटो ले रहा है, सेल्फी ले रहा है, रहने दीजिए, आप इंजॉय कीजिए नज़ारों को। चलो तो अभी नितिन भाई को हमने थोड़ा काम पे लगा दिया है, और ये बना रहे हैं गुजराती स्पेशल चाय मसाले वाली। भाई आप शक्कर बाद में डालना, शक्कर डाल दिया क्या? नहीं, तो एक शुगर फ्री निकाल देना पहले विकास भाई के लिए। ये आप लेके आए थे साथ में? हाँ पूरा एकदम। भाई तो अभी गाड़ियों की पार्किंग एकदम शानदार, और उधर वो कुछ कर रहे हैं फोटोग्राफी और ऑटोग्राफी चल रही है एकदम दबा के, और इधर हमारे नितिन भाई लगे हैं चाय बनाने में, तो चाय पियेंगे एकदम कड़क मसालेदार चाय बनेगी। चलो शानदार एकदम नज़ारा है बहुत ही। भाई तो चाय रेडी है, और अभी ना भाई ने बहुत मेहनत की है चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए बहुत मेहनत की है इन बंदों ने यार, थक गए बना बना के। चलो चाय पी जाएगी शानदार। गर्मी अभी थोड़ी कम, भाई बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है चाय में, बहुत मेहनत की जा रही है यहाँ पे चाय बनाने के लिए। लोडिंग कौन करेगा?
अरे छाननी है, ओ बाबा छाननी है, छाननी है, ये मैं कर लेता हूं, आप लोग देखना हाथ पे। अरे नीचे रख लेते, हाथ पे ना गिरे। जाते पीछे वो लागे, अरे गिराओ तो सर, वो गिराने वाला शॉट भी तो आएगा। मजा आया। नितिन, ओ नितिन नहीं आओ लेने। केलवन डूंगर से नीचे उतर रहे हैं, फॉर्च्यूनर आगे निकल गई है और थार, उसके बाद में स्कॉर्पियो और लास्ट में अपन। चलो तो हनुमान जी दादा के दर्शन किए यहाँ पे, और ये केलवन डूंगर पे जस्ट ऊपर जब चढ़ते हैं तब आता है मंदिर, तो यहाँ दर्शन जरूर करें। चलो तो अभी यहाँ से समा प्रार्थना लेते हैं और बढ़ते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। चलो तो विकास भाई को बाय 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 बाय, जब भी आओगे बताना। अरे एब्सोल्युटली भाई, चलो भाई किस पे मिलते हैं, मिलते हैं। अरे भाई चलो मिलेंगे पक्का। अभी ना भाई अपन, चलो अपन तो कब रोज मिलना है तो रोज मिल सकते हैं। चलो तो विकास भाई अभी जा रहे हैं और इनको अभी रजा आपसे अपन ओके भाई। चलो तो बहुत शानदार सनसेट के साथ में विकास भाई को अलविदा। चलो तो बहुत शानदार सनसेट हो रहा है, तो इस सनसेट को थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, उसके बाद में निकलते हैं घर की तरफ। विकास भाई को अलविदा हमने कह दिया है यहाँ से, जल्दी नई मुलाकात करेंगे उनसे। तो फिलहाल हम जो सामान लेके आया था वो सामान दे देते हैं नारायण जी का, उसके बाद में आप लोगों से लेते हैं अलविदा।